हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिब्रे ऑफिस में सीखेंगे क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट, सेटिंग डिफॉल्ट टेम्पलेट एंड चेंजिंग ए डिफरेंट टेम्पलेट, अपडेटिंग ए टेम्पलेट्स। टेम्पलेट सबसे पहले हम टेम्पलेट्स होता क्या है, हम फाइल टेम्पलेट्स एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। जैसे कि हम फाइल में जाके न्यू करते हैं, इसकी शॉर्टकट की देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, या तो आप फाइल टैब में जाके न्यू में जाइए, लिब्रे ऑफिस में फाइल में न्यू टैब में, जैसे हम न्यू टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे दिखाई दे रहा है टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक कीजिए, ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपके ओपन हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जब हम ऑल कैटेगरी पर करेंगे सभी तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। जिस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए उसी को हम ओपन करेंगे। जैसे देखिए बिजनेस, बिजनेस पे क्लिक किया, बिजनेस टाइप के दो टेम्पलेट्स हैं। ये देखिए डिजाइन यहाँ पर बने हुए हैं लोगों में, ये देखिए। अगर हमें कोई डिफरेंट टाइप का चाहिए तो हम यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं, ये देखिए ये है। अब यहाँ से जैसे हमें कोई बाय डाटा ओपन करना है, कुछ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है माई टेम्पलेट्स, ये देखिए सी वी पे मैंने ओपन किया है। ये टेम्पलेट्स का डिजाइन बना हुआ है, इसमें नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल ये सब लिखा हुआ है, राइट्स। ये है हमारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जो पहले से बने हुए टेम्पलेट्स होते हैं उसको ओपन करने का सिंपल स्टेप है हमारा। फाइल, न्यू टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स, और यहाँ पर जाके सिलेक्ट टेम्पलेट कैटेगरी, यहाँ से हम टेम्पलेट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सिलेक्ट टेम्पलेट, इस टाइप का नहीं होगा इसमें, राइट्स। ये देखिए जो भी यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएंगे, और उसको सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट को, नेम को, और यहाँ से ओपन कर लेंगे, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा फाइल में जाके, यहाँ पर हम टेम्पलेट्स में जाएंगे और ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम इसको टेम्पलेट्स को, यहाँ से उन टेम्पलेट्स को हम ओपन कर सकते हैं जो हमने क्रिएट करे हैं, राइट्स। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन की जब हम प्रेस करेंगे, ये देखिए टेम्पलेट्स का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। यहाँ से हम किसी भी, जैसे मैं आप ऑल करेंगे सभी तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर आ गए हैं, और उस हम जो हमें टेम्पलेट चाहिए नीचे डाउन करेंगे और भी तरीके यहाँ पर डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे वही टेम्पलेट्स हमारा ओपन होके आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। अब है कि हम अपने टेम्पलेट्स को नया कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें न्यू में जाना होगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाना होगा, ठीक है। हम एक छोटा सा टेम्पलेट का डिजाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमने एक छोटा सा यहाँ पर टेम्पलेट का डिजाइन क्रिएट किया है, जिसमें हमने लिखा है बाय डाटा, नेम, एज, क्लास, एड्रेस, हाइट और वेट। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी बाय डाटा बना रहे हैं, हमें ये सब चीज़ें बार बार ना लिखनी पड़े, तो इसको हम डॉक्यूमेंट में ना सेव करके टेम्पलेट में सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल में जाके हम सेव में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे टेम्पलेट्स में और सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया माई टेम्पलेट, और यहाँ पर हम किसी भी नाम से इसको सेव कर देंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ पर नेम नाम से ही सेव कर दिया, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, ठीक है, सेव। अब इसको हम फाइल मेन्यू से भी खोल सकते हैं और टेम्पलेट से, देखिए जब हम फाइल ओपन करते हैं यहाँ पर नाम आता है, देखिए कोई नेम नहीं आ रहा टाइटल में। अब यहाँ से देखिए हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ओपन टेम्पलेट, ओपन टेम्पलेट मैंने नेम दिया था यहाँ पर, नेम नेम नेम, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आएगा, जिसे हमें विजी के नाम से एक बाय डाटा बनाना है, तो याद रखना आपको एंटर की नहीं दबानी है, एरो की हेल्प से हम कर रहे हैं। क्लास यहाँ पर टाइप कर देंगे, राइट्स, एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो आप, हाइट लिख सकते हो इसकी, ठीक है, हाइट, और वेट लिख सकते हो यहाँ पर, राइट्स। इसके बाद जैसे मैंने इसको सेव किया है, सेव सिंपल ही करना है आपको, ये सब करते हैं, इसको फाइल में जाके सेव, जब हम इसे फाइल में जाके सेव करेंगे, सिंपल आप नॉर्मल सेव कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट में सेव होगा, इसको मैंने विजय के नाम से ही सेव कर दिया है, राइट्स। अब हम अगेन इसको ओपन कर रहे हैं, फाइल में जाके न्यू, न्यू में जाके टेम्पलेट या कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन, राइट्स। यहाँ से जब आप नेम को ओपन करोगे सिलेक्ट करके, नेम ओपन,
ये देखिए हमें ये हमेशा जब भी आप फाइल में न्यूज़ ओपन करोगे ब्लैंक ही आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने किसी और का नाम डाल देती हूँ मोहन, एज डाल देते हैं यहाँ पर, एड्रेस ठीक है, हाइट डाल देते हैं और वेट डाल देते हैं, राइट्स। इसके बाद हम सिंपल सेव करेंगे और इसको जैसे हमने मोहन के नाम से सेव कर दिया, राइट। अब देखिए जब हम फाइल में जाके न्यू में टेम्पलेट्स को ओपन करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल शिफ्ट एन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन, ठीक है, हमने शॉर्टकट की प्रेस की है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे, ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा। अब हमने जो राइट साइड का बायोडाटा सेव किया था विजी कार मोहन का, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर ओपन का यूज करेंगे, ठीक है, ओपन का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर विजय नाम से सेव किया था, विजय को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओपन हो गया देखिए। और मोहन को ओपन करना हो तो हम ओपन में जाएंगे, यहाँ पर मोहन लिख देंगे और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये यूज है हमारे टेम्पलेट्स का। अगर हम चाहते हैं हमारे टेम्पलेट्स में कुछ करेक्शंस करना डिजाइन में, तो हम टेम्पलेट को ओपन से करेंगे, यहाँ से न्यू वाले को ओपन कर लेंगे, ठीक है, न्यू वाले को। अब मैंने यहाँ पर इसमें और भी कुछ जैसे हम लिखना चाहते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अब हम पहले मैंने जो ओपन किया था न्यू से ओपन किया था टेम्पलेट, ठीक है, और करेक्शन करने के लिए मैंने कहाँ से ओपन किया, टेम्पलेट से, ठीक है। अब हम करेक्शन करने के बाद सिंपल सेव कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, सेव कर देंगे। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोन नंबर ऐड किया है। अब अगर हम न्यू से ओपन करते हैं तो अब जो हमें पहले जो हमें डिजाइन मिल रहा था वेट तक का मिल रहा था, फ़ोन नंबर नहीं था। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया। इस तरीके से हम पहले से बने हुए टेम्पलेट में करेक्शन कर सकते हैं, मतलब टेम्पलेट का आपको ओपन करना है, ओपन से ओपन टेम्पलेट से ओपन करना है और उसके बाद आप उसमें करेक्शन कीजिए, सेव कीजिए, जब आप देखेंगे वो आपको ओपन मिलेगा, ठीक है। अब हम इस टेम्पलेट को बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपल आपको यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट्स है पहले टेम्पलेट्स को ओपन कर लेंगे फाइल मेन्यू से और फिर राइट क्लिक करके यहाँ कर देंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब तो ये हमें यहीं पर मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, हमें इतने सारों में ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने टेम्पलेट्स को, ठीक है, हमारा ऊपर ही मिल जाएगा। अगर हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी माय टेम्पलेट्स की, अगर माय कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने एक टेम्पलेट को बनाया, उसको यूज किया और ओपन किया। अब हम दूसरी तरह का फॉर्मेट ले लेते हैं टेम्पलेट्स के लिए, अगर हम किसी टेम्पलेट को डिलीट करना चाहते हैं तो फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, ठीक है, फाइल में न्यू में, और यहीं पर हम टेम्पलेट्स को ओपन करेंगे और यहीं पे जो हमारा टेम्पलेट्स है इस पर हम राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यस कर देंगे और हमारा जो टेम्पलेट्स है वो डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो गया है। इस तरीके से हम अपने टेम्पलेट को डिलीट भी कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं अपने का, और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में भी हमने बायोडाटा को सेव किया था, अब हम यहाँ पर एक मार्क्स शीट को सेव कर रहे हैं। इसके लिए टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर जितने कॉलम और रो हमें चाहिए, जैसे मैंने 5 कॉलम और 6 रो यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट टेबल स्टाइल पे क्लिक कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे। एक टेबल का इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये इंसर्ट हो चुकी है टेबल एक। अब सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे फर्स्ट वाले को हम सिलेक्ट करके क्या कर देंगे,
मर्ज कर देंगे, टेबल में जाके मर्ज से। इसमें हमने क्या लिख दिया है, मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट यहाँ पर लिख दिया है। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर देंगे और इसको थोड़ा यहाँ पर हम सेंटर कर देंगे और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसका और थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है नेम, नेम राइट्स, और यहाँ पर क्या लिख दिया, क्लास। और जो हमारी ये वाली सेल है इसको भी हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके टेबल में जाके मर्ज कर देंगे। और जो हमारी ये क्लास वाला है इसको भी हम सेलेक्ट करके दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। आप कोई भी डिजाइन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी बना सकते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट्स, जैसे आपका हिंदी दे दिया मैंने, इंग्लिश दे दिया है, ठीक है, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। आप कैपिटल अपने हिसाब से देख लेना, कैपिटल लेटर्स, जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ले लिया है, जैसे मैक्सिमम मार्क्स सभी में 100 होंगे, ठीक है। एरो की क्या हेल्प से आप कर सकते हो। और यहाँ पर हमने दे दिया है मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मिनिमम मार्क्स जैसे 30, एरो की हेल्प से आप कर सकते हो, इसी तरीके से आप मार्क्स ऑब्टेंट, ठीक है, जो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मार्क्स ऑब्टेंट यहाँ पर हमने शो कर दिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर पास फेल कुछ आप दिखा सकते हो, उनको सेलेक्ट करके हमने जैसे यहाँ पर टेबल्स में जाके मर्ज कर दिया है, मर्ज, ठीक है, ये राइट्स, ठीक है। पास फेल जो है वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। अब इसको हमने सेव करना है, इसको जो सबसे पहले इसमें सेंटर किया था बोल्ड, थोड़ा सा यहाँ से इसको सेंटर, ये देखिए। अब इसे हमें टेम्पलेट्स में सेव करना है, तो फाइल में जाके हम टेम्पलेट्स पे जाएंगे और यहाँ से सेव एज टेम्पलेट्स, सेव एज टेम्पलेट में माई टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया है मार्कशीट, ठीक है, और इसको सेव कर दिया है। अब इसको हम पहले की तरह कैसे करेंगे, फाइल में जाके न्यू से इसको हम ओपन करेंगे, न्यू में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर माई टेम्पलेट्स ले लेंगे और यहाँ से हम मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब जैसे हम जिस बच्चे का हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने सोहन नाम दे दिया, यहाँ पर आप क्लास दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स टॉप 10 दे सकते हैं, कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप पास फेल लिख सकते हैं, जो भी आपका पास है फेल है, इसको भी हम पहले से इसको सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर्स राइट्स, क्रॉस इसको नीचे कर देंगे राइट्स। इसके बाद इसे हम सेव कर देंगे, सिंपल इसे सेव करते हैं, सोहन के नाम से बनाया है, सोहन के नाम से ही सेव कर देंगे। अगेन हम फाइल में जाके न्यू करेंगे और टेम्पलेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ से हम अगेन जो हमारा मार्कशीट वाला था इसको ओपन करेंगे। इसके बाद दूसरे बच्चे का यहाँ पर हम लिख देंगे, इसे राजन मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर इसकी क्लास लिख देंगे, क्लास, और इसके बाद जो इसके मार्क्स आए हैं वो मार्क्स हम यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर इसकी वो डाल देंगे पास फेल, और इसको फिर अगेन हम इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ये हमने राजन के नाम से बनाया तो राजन के नाम से सेव कर दिया। अब इसको खोल के देख देंगे, इसको जब भी आप ओपन करोगे ना फाइल मेन्यू में टेम्पलेट्स में, वो आपको फॉर्मेट ही मिलेगा, इसमें जो राइट कैंटी की वो नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी क्लास का बना सकते हैं, हमें डिजाइन बनाने से हम बच जाएंगे। और जो हमने फाइल नाम लिख के सेव किया था उसको हम ओपन में जाके खोलेंगे, एक हमने राजन का किया था, राजन को सिलेक्ट करेंगे, राजन का खुल जाएगा। और अगर हम दूसरा हमें खोलना है, जैसे हमने मोहन का किया था तो मोहन का सिलेक्ट करके मोहन का, ये मोहन का हमने दूसरा बनाया था, सोहन के नाम से बनाया था हमने मार्क्स वाला, तो
सोहन नाम लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि हाँ टेम्पलेट्स का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्मेट तैयार करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। अब जो बाकी के जो लिब्रे ऑफिस के फंक्शंस हैं, जो उसकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।